अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ईमेस गार्डन में खुश आमदीद। तो दोस्तों, मैं आज अपने गार्डन में लेडी फिंगर काश्त कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाकर आप दोस्तों के साथ शेयर करूँ। तो इसमें आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है, ख़ास के तौर पर जब आप इसकी काश्त कर रहे हों। एक, उस वक्त जब आप इसकी बीज की सिलेक्शन कर रहे हैं, और दूसरा काश्त के वक्त। आपने जब इसका लोकल बीज लेना है, तो लोकल बीज को आपने पानी में डालकर जो बीज नीचे बैठता है वो आपने इस्तेमाल करना है। ये बीज जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मैंने इसको पानी में डाला था, जो बीज नीचे बैठ गया था उसको मैंने अलहदा कर लिया है। जो ऊपर बीज तैर जाता है उसकी जो जर्मिनेशन है वो 40 से 50% होती है। जो नीचे वाला बीज होता है उसकी जर्मिनेशन 95 से 98% तक होती है। तो इसलिए जो नीचे बैठा हुआ बीज जो है आपने वो इस्तेमाल करना है। तो ये तो बीज के हवाले से था। अब हमने इसकी लाइनें हमने तैयार कर ली हैं, हमने इसको पानी लगा दिया है। सेम आने से पहले पहले आपने इसको लगा लेना है। तो ये जो सेम जहाँ पर आएगा उससे थोड़ा सा 1 इंच ऊपर जो है आपने इसको लगाना है। तो अगर नीचे ज़्यादा लगाएंगे तो वो पानी में डिप कर जाएगा, अगर ऊपर ज़्यादा ऊपर लगाते हैं तो वहाँ पे सेम नहीं पहुँच पाएगा, जिसकी वजह से उसकी जर्मिनेशन में रुकावट बन सकती है। देखिए, यहाँ पर पानी का सेम आ रहा है, उससे हम थोड़ा सा ऊपर लगा रहे हैं, ताकि थोड़ा सा अगर मज़ीद सेम आता है तो ये सेम के ऊपर आ जाएगा बीज हमारा, और इसकी जो जर्मिनेशन है वो बहुत अच्छे से होगी। अगर ज़्यादा ऊपर लगाएंगे तो वो सेम नहीं आएगा, नीचे लगाएंगे तो वो पानी ज़्यादा मज़ीद उसके ऊपर आ जाएगा, जिसकी वजह से उसकी जो जर्मिनेशन में बहुत ज़्यादा रुकावट हो सकती है। तो इसलिए ये तरीका है, मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर आप दोस्तों को ये मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह मेरी वीडियो आपके पास आती रहें और आप देखते रहें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।